मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी मावठ की बारिश। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 1 फरवरी से इन राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और राजस्थान में भी शुरू हो जाएंगी। 3 से लेकर 5 फरवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा, तो कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान और उससे जुड़े इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से इन इलाकों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। आज 28 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड राज्य में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन इलाकों में बदलेगा मौसम का मिजाज। गरज और चमक के साथ में होगी बारिश। राज्य में आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार 28 और 29 जनवरी को जबलपुर संभाग के कई जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही जबलपुर संभाग के डिडोरी, बालाघाट, मंडला और सिवनी जिले में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश के दौरान तेज गति से हवाएं चलने तो कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ही दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 29 जनवरी तक राजस्थान राज्य के भी अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 28 जनवरी को उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ऊपरी माली, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में, इसके साथ ही साथ बिहार के भी अलग अलग हिस्सों में रात और सुबह के दौरान घने से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। IMD के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति भी उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ हिस्सों में अलग अलग इलाकों में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।